बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी हमेशा अपने चैनल से आपको ये बात बताता रहा है और हम हमेशा आपको ये बात बार बार याद भी दिलाते रहे हैं कि दुनिया की ग्लोबल इलीट्स के लिए, जो दुनिया की खुफिया ताकतें हैं, इस दुनिया को कंट्रोल करती हैं, उनके लिए दो लोग हमेशा खटकते आंखों में और उन दोनों को इबरत का निशान बनाना है। एक का नाम है इमरान खान और दूसरे का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने फारिग किया, उसको अगला इलेक्शन ही जीतने दिया। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, जिसको कहते हैं कि इमरान खान मेरा दोस्त है, वो जगह जगह टीवी चैनल्स या जहां पर इंटरव्यू देते हो जाकर कहते हैं ये मेरा दोस्त है, उसको फारिग किया गया और अब दोनों के लिए बिल्कुल रास्ता बंद किया जा रहा। एग्जैक्टली जो इमरान खान का हशर हुआ, उससे बुरा हशर डोनाल्ड ट्रंप का करने की तैयारी है। और हैरान कुन तौर पर यह ऑपरेशन रिजीम चेंज के अंदर आपको सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। इमरान खान को नाहल करने की तैयारी है, उसकी पार्टी को नाहल किया जा रहा है। हैरान कुन तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार करने का भी प्लान है, उसकी जान लेने का भी प्लान है। और एग्जैक्टली यही कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ जो हाल इमरान खान का हुआ, एग्जैक्टली वही करने की तैयारी। अब जानते हैं इसको क्या हो रहा है। इमरान खान का तो आपको पता है, छापे और ये वो सब कुछ चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के घर पर FBI ने रेड मारी। ये जरा वॉशिंगटन पोस्ट की आप हेडलाइन पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन पढ़े, समझ जाए। डोनाल्ड ट्रंप के घर पर FBI ने रेड मारी और रेड के दौरान वो कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर के जो जितने भी सीक्रेट राज हैं और ऑफिशियल जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ट्रंप के घर पर पड़े हुए थे और हमने वहां से ये लिस्ट, अब आप देखिए जरा, वो कह रहे हैं जी हमने ये डॉक्यूमेंट्स वहां से उठाए हैं। और इस चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने की तैयारी है और डोनाल्ड ट्रंप पर गद्दारी का मुकदमा कायम करके उसको नाअहल करने जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दो तहाई अक्सरियत लेने के करीब पहुंच चुका है। जो सर्वे बता रहे हैं कि जो बाइडेन की जो अक्सरियत है वो तकरीबन 24% के करीब आ चुकी है और आपको इलेक्शन जीतने के लिए 51% कम से कम आपको जीतना पड़ता है, यानी आपको दूसरे मुखालिफ से लेने पड़ते हैं। और अमरीका की तारीख में हमेशा ऐसा रहता है कि 1 या 1.5% जो भी वोट होता है उससे दूसरी पार्टी जीत जाती है। आप ये देखें कि ट्रंप का इलेक्शन चुराया, जरा चीजें गौर करें और इमरान खान से कंपेयर करें। ट्रंप को गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश है, इमरान खान को भी गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है। ट्रंप के ऊपर अब नाअहली की तलवार लटक रही है, इमरान खान को भी नाअहल किया जा रहा है। ट्रंप दो तारीख सीट लेने के करीब आ चुके हैं, जो सर्वे बता रहे हैं इमरान खान दो तारीख सीट लेने के करीब है। उसके बाद इन्होंने ट्रंप को जेल में फेंकने का फैसला किया है, उसको नाहिल कर रहे हैं। इमरान खान के साथ भी सिमिलर सिचुएशन होने जा रही है, उस पर भी गद्दारी का मुकदमा, इस पर भी गद्दारी का मुकदमा। और सबसे बढ़कर अब वो काम क्या करने जा रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी, क्योंकि पूरे अमरीका के अंदर इस वक्त लोग ट्रंप की बैक पर खड़े हो गए हैं। आप ये देखें कि पहले उस शख्स को ट्विटर से नाहिल किया, अगर पाकिस्तान में भी इमरान खान किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर होते जो पाकिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा होता, आप ये देख लें ARY का नाटका बंद कर दिया, उसको बंद करने की तैयारी है। एग्जैक्टली सेम उन्होंने वही किया, ट्रंप को ट्विटर से फारिग किया, उसको फेसबुक से फारिग किया, इंस्टाग्राम से फारिग किया कि उसके सीने में जो राज दफन है वो बोल ना सके। इधर इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है, उसके सीने में भी जो राज है बार बार पैगाम दिया जाता है आपने नहीं बोलना, जलसे में नहीं बोलना, हम आपके साथ मामला तय करते हैं। एग्जैक्टली इंटरनेशनल ताकतों ने वही प्लान जो इमरान खान के लिए बनाया था, अब वही प्लान वो ट्रंप के लिए बना रहे हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए ट्रंप इस वक्त तकरीबन 70% मकबूलियत के साथ टॉप पर आ चुके हैं और इमरान खान भी 2-1 के साथ। अब आप जरा देखिए ये आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं, जानते हैं ना आप इनको, जनरल फ्रैंक मैकेंजी। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसने तालिबान से डील की थी। जानते हैं उसने क्या कहा, उसने कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने अफगानिस्तान छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं उस वक्त बजिद था कि हमें अफगानिस्तान में 2500 फौजी रखने चाहिए, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई क्योंकि मैंने अकेले में फैसला नहीं किया। वो इल्जाम लगा रहा कि ट्रंप ने किया। ट्रंप क्या कहता था, ट्रंप ये कहता था कि हमें अफगानिस्तान के अंदर जो सुपर पावर्स होती हैं वो लंबी जंगें नहीं लड़ती, हमें क्यों जंग लड़नी है अफगानिस्तान के अंदर, हम अपनी फौज बुलाएं, जो पैसा हम जंगों में जाया करते हैं वो पैसा हम अवाम के ऊपर लगाएं। और उसने कहा था कि इमरान खान ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है, हमें जंग में जाना ही नहीं चाहिए। और उसने कहा था पूरी दुनिया में जहां जहां जंगे अमरीका ने की है इसको समेटो।
आप ये देखिए कि ये जो जनाब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जानते हैं ये कौन है? ये आर्मी चीफ थे उस वक्त के। इन्होंने ट्रंप का एक काम या उसके एहकामात मानने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप था और आर्मी चीफ उसके अंडर होता है। उसने कहा था मैंने ट्रंप के कोई एहकामात नहीं माने। इमेजिन करें, ट्रंप ने उसको कहा कि तुमने ये फलाना काम करना आखिरी दिनों में, उसने इनकार कर दिया। अब इस सूरत हाल के अंदर ये जनाब मासूम बने हुए हैं। इमेजिन कर लें कि ट्रंप ने इनके बारे में कहा था कि जो फौज के जवान है वो मेरे साथ है, और ये जो ऊपर बैठी हुई इलीट और ग्लोबल इलीट है, ये असल में जर्नैल जो है ये मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि जंग होती है और अमरीका असलाह खरीदता है और ये जंग के अंदर जाकर माल बनाते हैं, लिहाजा ये मुझसे नफरत करते हैं, ये चाहते हैं जंग हो। मैं चाहता हूँ ये जो जंग में पैसा ज़ाया होता है, क्योंकि जाता तो अमरीकी टैक्स का पैसा है, तो ये अवाम के ऊपर लगाए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आप जानते हैं उसका स्लोगन रहा है। उसने कहा कि अमेरिका को फिर अच्छा बनाते हैं, ग्रेट बनाते हैं, तो ये जो पैसा हम यहाँ पर बर्बाद करें, यहाँ पर लेकर। उसने कहा कि चाइना हमसे वो कई हजार किलोमीटर दूर है, उसने कहा अफगानिस्तान हमसे कई हजार किलोमीटर दूर है, हमारे वजूद को कोई खतरा नहीं है, हम दुनिया की सुपर पावर है, तो हम क्यों जाकर दुनिया के दूसरे मामलों के अंदर जंगे लड़ते फिरे, हम क्यों करें, हम क्यों जाए मिडिल ईस्ट में, इराक, अफगानिस्तान। उसने कहा खत्म करो इन जंगों को और वापिस आओ। अब सूरत हाल ये है कि जिन ताकतों ने इमरान खान को निकाला, पैटर्न चेक कीजिए, इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, उसको फारिग कर दिया। ट्रंप ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हमने कोई जंग नहीं करनी, उसको फारिग कर दिया। आज जनरल मैकेंजी कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने थे और हमने गलती ही कि उन ठिकानों को खत्म नहीं किया, और आज भी वो कायम है। और इस सूरत हाल में वो कहता है कि हमने इस पर काम नहीं किया। इसका क्या मतलब है? अमरीका दोबारा जंग के लिए आपके पास आ रहा है, ये बात समझिए जरा। अमरीका दोबारा जंग करने के लिए आपके मुल्क में आ रहा है और ये पूरी ग्राउंड तैयार की जा रही है। ट्रंप को फारिग किया जा रहा है कि वो 2024 में आए, अवाम उसके साथ है, जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान के साथ है। वहां पर भी लोग ये कह रहे हैं कि अमरीका की डीप स्टेट या अमरीका की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पर माल बना रही है, तो हमें ये काम नहीं करना, और इसीलिए वो ट्रंप की बैक पर खड़े हैं। अब पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, इमरान खान कह रहे हैं मैंने किसी की जंग में नहीं जाना, और आप देख लें कि सवाद के अंदर तहरीक तालिबान वापस आ गई है। कैसे आई है? आपकी फौज ने कुर्बानियां दी हैं, हमने वहां पर कुर्बानियां दी, हमारे जवान शहीद हुए, हमने बाड़ लगाई, $2-3 अरब हमने जाया किए, हमने कई हजार अपने फौजी शहीद करवा दिए, 6 साल लगे इस बाड़ को लगाते हुए। ये कोई छोटा काम था? पीटीएम से लेकर टीटीपी से लेकर दाइश से लेकर भारतीय प्रॉक्सी, कितनी हमने लड़ाइयां सही है, फौज ने कुर्बानी दी, बर्बाद हो गए हम लोग, और आज फिर वही इमर्जिंग हो रही है उनकी। अब आप पैटर्न देखिए, उधर ड्रोन हमला जवाहरी को लगता है, वो कहते हैं जी जवाहरी वहां पर मौजूद ही नहीं था, अफगान तालिबान कह रहे, इधर ये मामला, ये पूरे का पूरा सिनेरियो बन रहा है। ट्रंप को फारिग करें, वो जंग के खिलाफ था, इसको फारिग करें, इसके बाद टीटीपी का यहां पर आ जाना, और फिर ट्रंप को ऐसे केस में फंसाना कि वो नाहल होने जा रहा है। ये सिर्फ इत्तफाक नहीं, पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था जो ट्रंप और इमरान खान ग्लोबल इलीट्स की राह में खटकते। आप जानते हैं ट्रंप ने क्या कहा था? उसने कहा था हमने $33 अरब दिए पाकिस्तान को, इन्होंने हमें बदले में बेवकूफ बनाया। इमरान खान ने जवाब दिया उसका, बाद में जब दोनों की मुलाकात हुई तो उसने समझाया कि भाई पैसा तो जिन्होंने खाना था वो खा गए, हम तो नहीं खा के गए, लिहाजा इमरान खान ने ये जंग खत्म करवाई। ये असल में वो काम था जिसकी वजह से आज इमरान खान को भी नाहल किया जा रहा है, गद्दार उसको डिक्लेयर किया जा रहा है, और उसकी पार्टी को बैन किया जा रहा है। रिपब्लिकन्स में सिर्फ एक चीज है, उनकी पार्टी को बैन नहीं किया जा रहा, बाकी वो सारा काम करे, और वो कह रहे हैं ट्रंप की जगह किसी और को उम्मीदवार लेकर आए। क्या कहा था सद उमर ने? उसे कहा था मुझे आकर पैगाम दिया था -1 कर लो, कोई और लिया। तो स्क्रिप्ट सारा अमरीका से तैयार होकर आया है और इमरान खान पर लगा, अब ट्रंप पर लग रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।